हेलो गाइस, आज है 7 फरवरी और टाइम हो रहा होगा अभी कोई 5 बज रहे हैं। तो आज रोज़ डे होता है, तो अभी मैं कलकत्ता में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को एक रोज़ दूँ। तो मैं घर से निकल रहा हूँ रोज़ लाने के लिए, तो वीडियो को आगे फिर शूट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ मिलता है। ये रहेगी मेरी सवारी जिस पर मैं सवार होऊंगा। ये मेरे ससुर जी की यामाहा जी है, कोई मॉडल कौन सा है ये पता नहीं, साइकिलिंग रे। इस पे अभी हम निकलेंगे और फिर हम देखते हैं क्या होता है। गुड बाय बाय गाइस, मैं निकल गया हूँ। आप देख पा रहे होंगे अभी कितनी शानदार वादियां हैं यहाँ पर, वादियां नहीं कह सकते एकदम से, मतलब ट्रीज वीज है यहाँ पर। एक्चुअली अभी मेरे पास पूरे सामान नहीं है, एक्चुअली गैजेट्स नहीं है मेरे पास अभी पूरे, बट अभी मैं इनिशियल फेज में ही हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये एकदम क्या रास्ता है, एकदम रोमांचक रास्ता है ये यहाँ पर। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर, तो मैं वैसे सर्दियों में आता हूँ यहाँ पर, ये पहली बार है कि मैं फेब में आया हूँ यहाँ पर। ये एक्चुअली आसनसोल से आगे चितरंजन पड़ता है, चितरंजन है यहाँ पर, चितरंजन पड़ता है और लोकोमोटिव इंजन जहाँ बने हैं चितरंजन लोकोमोटिव इंजन। मैं हिंदुस्तान केबल्स के पास हूँ, आपने सुना होगा हिंदुस्तान केबल्स। तो ये देखिए सर, व्यू देखिए आप यहाँ पर, एकदम मतलब मस्त व्यू जिसे कहते हैं ना, मतलब हम ये बोरियत जो हो जाती है ना हमें रह के शहरों में, वो यहाँ पर मिलता है। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए साइड में दुकानें, सूरज देख पा रहे होंगे आप एकदम रेड हॉट वहां से। कुछ इस प्रकार से आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है कॉन्टिन्यूसली मेरे को। चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको कि जब यहाँ पर हिंदुस्तान केबल्स पूरा फंक्शनिंग मोड में था, तो कहते थे कि ये जन्नत थी, ये जन्नत था यहाँ पर, स्वर्ग जैसा था यहाँ पर। काफी मतलब चकाचौंध रोशनी होती थी यहाँ पर। पर अब ये जब से जो भी पॉलिटिकल इश्यूज थे या वॉट एवर जो भी था, मुझे पता नहीं है कुछ भी, बट जो भी था तो उस कारण से यहाँ पर काफी डिस्टर्बेंस हुई और फिर यहाँ पर खाली कर दिया, मतलब फैक्ट्री बंद हो गई, तो लोगों ने VRS ले ली एंड ऑल दैट। आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वार्टर्स आप देख रहे हैं जिनकी हालत अभी बहुत ही खस्ता है। ये देखिए यहाँ पर ऐसा होता था कि लोग कह रहे थे कि लोग बाहर अपने, मतलब रात को 2-3 बजे भी लोग यहाँ पर, क्योंकि 24/7 फैक्ट्री होती थी, तो लोग यहाँ पर खचाखच काम करते थे, कोई डर नहीं कोई कुछ नहीं, बहुत मस्त रहता था यहाँ पर माहौल। बट आई हैव नॉट सीन, बट ऐसा ही था। मैं यहाँ रुक रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये DAV स्कूल है चितरंजन आसनसोल का। अगर आप देखेंगे, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, आप ये देखिए ये DAV स्कूल है। तो यहाँ पर मेरी वाइफ पढ़ती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से कुछ इस प्रकार से है, मैं अभी जा रहा हूँ डाबर मोड़, डाबर मोड़ जिसे DABUR कहते हैं, डाबर, यहाँ पर डाबर मोड़ कहते हैं। काफी हरियाली रहती है। तो गाइज हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं यहाँ पर, आप देखें, मुझे पता है यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर रोजेज मिलते हैं मेरे को हमेशा जब भी मैं आता। अरे नाम भी बताएंगे आपकी दुकान का, बढ़िया बताएंगे। ये नाम कहाँ है आपका? हाँ एक मिनट रुको, ये देखो ये बोल रहे हैं इनका प्रमोशन भी करना है। पुच्चू नर्सरी है इनका नाम, ये यहाँ के ओनर हैं और ये ओनर का बच्चे हैं ये एक्चुअली। और ये देखो आप, यहाँ पर मैंने रोजेज ले लिए हैं, अभी ये भैया बनाएंगे। एकदम अलग स्टाइल में बनता है यहाँ पर, जैसे हमारे पुणे या मुंबई या दिल्ली में बनता है वैसा नहीं बनता है, एकदम ऑल टुगेदर छोटा फूल होता है और छोटे फूल को बड़ा करते हैं। आपको थोड़ा मार्केट दिखाता हूँ यहाँ पर, आप देखिए इसे डाबर मोड़ कहते हैं। तो होपफुली अब हम यहाँ से रोज ले लेते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। तो ये हमारे काशी मंडल भैया हैं जिन्होंने 2 रोज हमारे लिए बनाए हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी रोज डे। हाँ सबसे कम, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि कितना सही प्राइस में पड़ा है। 2 गुलाब एकदम फ्रेश, एकदम ऐसी पैकिंग में, सिर्फ और सिर्फ 30 रूपये में। थैंक यू भैया, और प्लीज जब भी आप आओ आसनसोल डाबर मोड़ चितरंजन, तो फुच्चू नर्सरी पे जरूर आइएगा। थैंक यू। तो गाइज अगर आप कलकत्ता आए हो और पान नहीं खाओगे तो ऐसा होगा क्या? पान तो यहाँ की शान है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, मुझे पढ़ना नहीं आता बंगाली, पर मैंने इनसे पहले ही पूछ लिया था इनकी दुकान का नाम क्या है। रतन पान शॉप इनका नाम है। पिछले 5 साल से जब भी मैं आता हूँ मैं इन्हीं से पान लेता हूँ। रतन जी नमस्कार करिए इनको।
इतना बढ़िया पान बनाते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, इतने साफ सुथरे तरीके से पान बनाते हैं। दुकान देखिए कितनी छोटी सी और एकदम टाइडी क्लीन मस्त। इनका पान खा के ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ अलग है, एक अलग बात होती है पान में। दादा पान कितने का दिया? 10। और यही अगर आप दिल्ली कल बॉम्बे कहीं खाओगे तो 25-30 रुपए का। मैंने 6 रुपए का भी यहाँ पर पान खाया, अब थोड़ा रेट बढ़ गया है, बट जो पान की बात रतन दादा के हाथ में है वो कहीं नहीं। सो गाइज प्लीज विजिट जब भी आप आओ। ये एक्चुअली एकदम डाबर मोड़ के ऊपर ही है, यहाँ पर किसी ने मास्क नहीं पहना है, किसी ने नहीं, नो वन, इट्स ओनली मी। अभी जब पान बनेगा तो एक वीडियो और हम बनाएंगे। तो यहाँ 6 पान बना दो। ये देखो हमारे पान की प्रिपरेशन चल रही है, बहुत ही बढ़िया सलीके से बनाते हैं ये पान। अभी अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या होगा यहाँ पर। ये एकदम लाइट डाल दी इन्होंने हमारे लिए स्पेशल, एकदम मस्त लगा रहे हैं यहाँ पर ये इसको। ये देखिए आप ये, और ये डबल फोल्ड पान होता है, मतलब तो ये सिंगल वाला नहीं है। अब देख रहे हैं आप, सिंगल वाला नहीं रहता, ये पूरा डबल फोल्ड पान रहेगा। ये एकदम मस्त होके एकदम रतन जी एकदम बढ़िया पान बनाते हैं, मतलब मैं तो फैन हूँ, मैं कहीं का खाता ही नहीं यहाँ पर जब भी आता हूँ। अब देख रहे होंगे रतन जी को भी, एकदम मस्त पान बनाते हैं। मैं बार बार मस्त बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच में मस्त होता है, अंदाजा नहीं कर पाएंगे आप कितना बढ़िया पान आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तो अभी मसाले डलेंगे इस पे, अभी बहुत कुछ डलेगा, जितना हम बाकी जगहों पे खाते हैं उससे मतलब 10 गुना ज्यादा सामान डलेगा इसमें। तो गाइस आप देख रहे हैं पान को कितना फिल्ड है ये, और पिछले 15 मिनट से रतन जी पान बना रहे हैं। अब ये इसे रैप करना चालू करेंगे। दादा रैप करना चालू कर दो आप। अब देख रहे हैं कितनी स्टफिंग है इसमें, कितनी स्टफिंग है। अब ये सारे रैप होंगे और ये इन्हें सिंगल सिंगल करके पैक करेंगे, और उसके बाद हम इनका वो आराम से खा सकते। मुझे लगता है एक पान मुझे खाना चाहिए, एक पान देना। इसमें टेम्प्ट हो रहा था पान खाने के लिए, कसम से ऐसा पान तो मैं तो देखता ही रहता हूँ, बट ऐसा पान मिलता नहीं है लोकली हमें, तो ये पान। गाइस हमने समोसे देख लिए, पान वाले के साथ ही समोसे थे, अब हम समोसे भी लेंगे। देख रहे हैं आप भट्टी, देखिए समोसे भी ले रहे हैं। सो गाइस घर पहुंच गया हूँ और ये देख रहे हो लॉकडाउन के बाद पहला समोसा, एकदम मस्त कह सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।